साधु आएंगे कथा सुनने के लिए, कोई भक्त आएगा तो कथा सुनने के लिए चोर भी आएगा। आपका ध्यान भगवान में रहता है, चोर का ध्यान तुम्हारे गले के मंगलसूत्र और चेन और मोबाइल और पर्स पर रहता है। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना इस व्यासपीठ से, चोर ने ना जाने कितनों की चेन काटी होगी। बोलो सही बात है कि गलत बात? एक चेन 70,000, 80,000, 1,00,000, 1,50,000 की होगी। ऐसी उसने ना जाने कितनों की चेन काटी होगी, तो भी आज तक चोर करोड़पति नहीं बन पाया। जिसकी चेन चली गई, भोलेनाथ ने 6 महीने में उसके गले में दूसरी और बढ़ाकर चेन पहना। जिसकी गई उसने बाबा ने फिर दे दी, उसने फिर मेहनत करी, फिर काम करा और फिर अपना कर्म कर उसने चेन बनवा ली और गले में पहन ली। और चोट्टा अभी तक भी चोट्टा की चोट्टा ही रहा और चोट्टा आज तक ठीक नहीं। कोई सोने का सामान लेकर मत जाओ। अगर आयो कथा में हम तो बाबा से मिलने के लिए, हम बाबा से मांगने के लिए, हम बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए, दिल की बात। कितना कितना चलता है कि साहब वो हमने पहले सुना है, स्मरण में तो नहीं है, कि लाल कलर का परमिट बनवा लो तो ये मिलता है, पीले कलर का परमिट जानते हो, पीले कलर का एक कार्ड बनवा लो तो उससे ये मिल जाता है, लाल कलर का बनवा लो तो ये मिलता है, गुलाबी कलर का परमिट बनवा लो तो ये मिलता है, 70 मिल जाती है, चावल मिल जाता है, बीमारी का पैसा मिल जाता है, ये मिल जाता है, वो मिल जाता है। एक परमिट पीला कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा, गुलाबी कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा, लाल कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है एक परमिट तुम्हारे शंकर की भक्ति का भी बनवा लो, क्योंकि वो अंत समय तक चलता है जब तक तुम्हारी श्वास चलती है, अंत समय वो दिखता है। एक चुमारी गया और एक संत का, एक ब्राह्मण का आसन कमंडल छतरी लेकर आ गया और उसने वो लेकर आया और अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुआ खेलते हैं। जुआरी ने दोस्तों ने कहा तेरे पास लगाने के लिए क्या है? उसने कहा मेरे पास छतरी है, उसने कहा मेरे पास कमंडल है, उसने कहा मेरे पास में ये आसन है।
दोस्तों ने कहा फिर लिया आया थोड़ा बहुत सामान, चल बिठाओ, जिंदगी में आज तक जीता तो है नहीं, हारे ना। सब बैठ गए, जुआ चालू हुआ। दोस्तों ने अपनी अपनी जिंदगी की पूरी कमाई वो छाता कमंडल आसन में लगा दी और आज ऐसा योग बन गया कि जुआरी जीत गया, और जुआरी जीत गया खूब पैसे वाला बन गया, पैसे वाला बन गया। तो जब